जरा पुढे बहुत एक्साइटमेंट तो है मराठी मिर्ची अवार्ड्स। मेरे हिसाब से जितना एक्साइटेड मैं इसके पिछले साल था उससे थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मिर्ची अवार्ड ने हमेशा और मिर्ची ने हमेशा लोगों की ज़िंदगी में एक्साइटमेंट बरकरार रखी है और हमेशा टॉप पे रहे हैं वो। तो जाहिर सी बात है कि मैं अकेला नहीं बल्कि जितने भी लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं वो सब एक्साइटेड हैं। सर, रिसेंटली मराठी इंडस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? तो रिसेंटली आ रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं आए थे। रिसेंटली काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट आए हैं, हमेशा आते हैं, रिसेंटली नहीं, हमेशा। मराठी जो भी फिल्में बनाते हैं या मराठी कॉन्टेंट बनाते हैं वो सिर्फ मर्यादित नहीं है स्क्रीन के लिए, वो हर चीज़ में, चाहे वो ड्रामा हो, प्ले हो, चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे वो मराठी गाने हो, फिल्मी गाने हो या नॉन फिल्मी गाने हो, वो सारा काम जो है वो लोगों से हटके होता है और एक उसका एक मयार अलग होता है। तो ये रिसेंटली की बात मत कीजिए आप। अब मैं आपसे पूछता हूँ, रिसेंटली आपने कितनी मराठी फिल्में देखी हैं? और कौन सी? हाँ, और दो नाम लीजिए कोई भी। एक यही देखिए। तो फिर आप क्यों बोलते हैं कि मैंने रिसेंटली आप फिल्में जो है मराठी का कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा है? आप खुद ने आपने देखनी चाहिए तो आपको मालूम पड़ेगा, पुरानी फिल्में भी देखी ताकि आपको मालूम पड़ेगा। पीपल मोर पीपल विल गेट इन टू इट नाउ, मोर एंड मोर, बिकॉज एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में जो है वो आपको अगर कला दिखानी है तो आपको मराठी माध्यम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ हर एज एनी फादर वुड बी ऑफ द चाइल्ड, एंड आई ओनली विश हर द बेस्ट, एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी to bless her and people want to see you and her performing.
कमिंग टुगेदर? इम्पॉसिबल तो चीज़ है नहीं वो, क्योंकि मैं भी एक एक्टर हूँ, वो भी एक एक्टर है. अगर किसी ने हम दोनों को साथ में कास्ट किया तो हम ज़रूर काम करें. थैंक यू. हाय श्रीधर, कैसा है? मराठी म्यूजिक इज वेरी डिफरेंट राइट फ्रॉम ठेठ क्लासिकल टू रॉक एंड पॉप. सारी चीज़ें उसमें है, बहुत वैरायटीज हैं और अच्छा लगता है मुझे. इंडिपेंडेंट अगर गाना अच्छा है तो मौका है. इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस में जो आपको म्यूज़िक में भी इंडिपेंडेंस मिलता है, तो आप जो आपका दिल कहता है वो म्यूज़िक आप कर सकते हैं. और उस स्टेज पे, उस मार्केट में, उस लेवल पर जितना काम होता है एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ म्यूज़िक, वो कमर्शियल म्यूज़िक में नहीं होता है. तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है. टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़रूर बहुत अच्छा है, साउंड बहुत अच्छा है, उसके साथ थोड़ा रूह भी, रूह को रखें. रूह बहुत ज़रूरी है, मेक इट सोलफुल एंड हैव अ ग्रेट टाइम. मराठीत बोलू, हिंदीत बोलू, कशात बोलू? हिंदी. वाह. मुझे लगता है म्यूज़िक हमारी फिल्मों का, टेलीविज़न का, थिएटर का इतना अहम हिस्सा है कि उसके लिए एक अलग अवार्ड फंक्शन होना तो बिल्कुल जायज़ ही है. तो जैसे म्यूज़िक के इतने सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको सुनने के लिए एक स्पेशल जूरी होती है जो म्यूज़िक फील्ड से आते हैं. And it's lovely that that's such an important part of the films that we watch have a separate award function. And I'm really, really glad that Mirchi has decided to do this. It's been doing this for a few years. मैं बहुत सारे Mirchi Music Awards में आई हूँ. मुझे इन award functions के बारे में एक और चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है, वो performances बहुत अच्छे होते हैं. You get to see a lot of talented singers sing live. So I'm really looking forward to all of that. मेरा आज तक कार्टल खत्म होने के बाद, मतलब टेलीकास्ट होने के बाद, ऐसा एक भी इंटरव्यू नहीं गया जिसमें मुझसे लोगों ने सीजन टू के बारे में नहीं पूछा हो. तो मुझे लगता है मुझे एकता कपूर जी के पास ये ले ही जानी चाहिए रिक्वेस्ट. हमने शूट नहीं किया अभी तक सीजन टू, सो मुझे नहीं पता सीजन टू है या नहीं, आएगा या नहीं. अगर शूट करूँगी तो ज़रूर बता दूँगी.
There's very very exciting things coming up. There are some feature films. एक है Netflix के लिए जिसका नाम कला है, जो Clean Slate Films ने प्रोड्यूस की, अनुष्का जी की कंपनी ने, और वो बहुत ही सुंदर फिल्म है. और दो चार हिंदी फीचर्स है, तो आई एम होपिंग जब सही वक्त होगा तब मैं उनके बारे में बात कर पाऊँगी. थैंक यू सो मच. मी पहिले घेऊन मॅम लुक सेंटर मॅम लुक व्हिज्युअल साठी थांबा ना. पुढे सर पुढे जाऊ सर तुम्ही मेरे परफॉर्मेंस के लिए, यानी ड्रामा में या फिल्म में जो परफॉर्मेंस इसके लिए दिया है, ये बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. एक अच्छा अवार्ड है ये, और मैं पहले से ही ये अवार्ड देखता हूँ, ये प्रोग्राम अच्छी तरह से देखता हूँ. मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस बार अवार्ड मिला है आपकी तरफ से. जो मराठी आज के दौर में कॉन्टेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी डेप्थ कॉन्टेंट है, उतना मालूम नहीं है तो आपको मालूम है. नहीं, मराठी पिक्चर्स के कंटेंट बदल तो विचार करो. नहीं, मराठी पिक्चर क्या? हाँ, मराठी. आप मराठी पिक्चर के कंटेंट के बारे में पूछ रहे हैं? तो मराठी पिक्चर के कंटेंट के बारे में पूछेंगे तो तरह तरह के पिक्चर्स आ रहे हैं. स्टोरी में चेंज हो गया है,
पहले जो एक वही हो जो हो रहा था वो भी बदल के स्टोरी में वेरिएशन बहुत आ रहा है, तरह तरह के एंगल्स भी बदल रहे हैं, टेक्निकली भी अच्छे शो हो रहे हैं। देखो सर, आपको अवार्ड मिलने वाला है, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस कैटेगरी में अवार्ड मिलने वाला है और कितनी एक्साइटमेंट है अवार्ड लेने के लिए? वो तो एक्साइटमेंट है, इसलिए तो भाग के आया हूँ मैं। एक्साइटमेंट तो है ही, अवार्ड मिलना है खुशी की बात है, और कोई आदमी आपको कहते कि ये तो आपने अच्छा काम किया है तो अवार्ड मिलेगा ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अवार्ड मिलता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लोग यार काय इथे उभं राहू After many years, I am coming to Mirchi Awards. Mirchi Marathi Awards हा एक आगळा वेगळा सोहळा असतो आणि महाराष्ट्रातल्या मराठी संगीतासाठी एक मोठी मेजवानी असते आणि हा फार मोठा आदर असतो. आज बरेच वर्षांनी मला यायला मिळालं आहे, फार मजा येते. अँड बॉलिवूडचे अवॉर्ड लाईक किस तरह इम्पॉर्टेंट होता है ये सारे अवार्ड्स को, मिर्ची म्यूजिक, क्योंकि मिर्ची ऑलवेज गिव इम्पॉर्टेंस टू म्यूजिक, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री बिकॉज इट्स बेसिकली एन एनकरेजमेंट टू ऑल द म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, सिंगर्स एंड म्यूजिक लवर्स. इट्स एन एप्रिसिएशन. एंड सर, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? अ लॉट ऑफ देम, बट टुडे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू grab some awards for our film Pandu. Okay. Are you nominated for any award? Yes, many awards. Any, in which category? Best album, Pandu. And all the best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.